डियर फ्रेंड्स, हम अपना डिस्कशन आगे चलाते हैं। हम लास्ट लेक्चर में कैम के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम टाइप्स ऑफ कैम मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैम के बारे में देख रहे थे। उसमें हमने कैम के शेप के आधारित अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द कैम्स वी हैव डन द क्लासिफिकेशन। अलग अलग तरह के कैम हमने देखे थे। अब कैम के क्लासिफिकेशन का एक दूसरा भी टाइप है, दूसरी तरफ से भी उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो हम देखते हैं। एंड दैट इज़ वी कैन से अकॉर्डिंग टू फॉलोअर मोमेंट, मतलब कि इनपुट मोशन कैम देता है और आउटपुट मोशन फॉलोअर का होता है। तो जैसे फॉलोअर की मोशन होती है उसके आधार पर एक कैम का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस तरफ से कैम का क्लासिफिकेशन समझने से पहले हम एक टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ होती है वो समझ लेते हैं। सो बिफोर गोइंग फॉर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉलोअर मूवमेंट, लेट अस अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी डवेल। Many a times it is required that the input drive, that is CAM, is in motion, but we don't want the motion of the follower. We want to maintain the follower at the steady state condition. So that particular type of condition is called dwell. कभी कभार ऐसी ज़रूरत हो जाती है कि कैम की मोशन चालू रहे लेकिन फॉलोअर की मोशन नहीं चाहिए। जैसे कि आईसी इंजन में वाल ओपन क्लोज करना है तो वाल एक बार ओपन हो जाएगा, फिर उसको थोड़ी देर के लिए ओपन ही रखना है, बाद में क्लोज करना है। तो उस वक्त जब वाल ओपन रहता है उस दौरान कैम का रोटेशन होता ही है लेकिन फॉलोअर स्टेडी रहता है, उसका मोशन नहीं होता है। तो ये जो पार्ट होता है कैम रोटेशन का उसको ड्वेल कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर उसे बताए तो ड्वेल इज़ नथिंग बट जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोअर ड्यूरिंग मोशन ऑफ कैम, मतलब कि कैम का मोशन रुकता नहीं है और फॉलोअर का मोशन रुक जाता है। इस कंडीशन को हम ड्वेल कहते हैं। नाउ ये टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके हम कैम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फर्स्ट कैडर राइज रिटर्न राइज। We can say in short it is RRR type cam follower mechanism. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले उसके मुताबिक का हम कैम ले लेते हैं। इट इज़ ए सर्क्यूलर टाइप ऑफ रेडियल कैम एंड इट इज़ ए कंप्लीट ए सर्कल, बट द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम इज नॉट द सेंटर ऑफ द प्लेट बट इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड. And I have shown a follower in this particular condition. ऐसे स्थिति में ये जो follower है वो center of rotation के सबसे नज़दीक है, मतलब कि follower lower most position पे है। अब जैसे ही ये कैम रोटेट होना शुरू होगा in the clockwise direction, जैसे हमने डायग्राम में दिखाया है, तो क्या होगा कि the distance from this center of rotation ये पेरीफेरी का बढ़ता चलेगा। Radius will increase as the cam moves. Because of it, what will happen? The follower will get rise. Follower का movement upward direction में होगा, center से दूर जाएगा. So from this angle of rotation, it starts moving in upward direction. We can say it is rise. ये कब तक चालू रहेगा? Once it is reaches to the opposite point, means the rotation of the cam is 180 degree. तो यही displacement diagram में यहाँ पे दिखाया गया है। वर्टिकल एक्सिस दिखाता है फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिखाता है कैम एंगल। यहाँ अगर हम रोटेशन को 0 डिग्री मान ले तो 0 से घूमना स्टार्ट करेगा कैम, तो जब तक 180 डिग्री पहुँचता है तब तक फॉलोअर का राइज होता है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर अप टू दिस पॉइंट इट इज राइज। एक बार 180 डिग्री रोटेट खत्म हो जाएगा फिर कैम कंटिन्यू मोशन करेगा, तो देन देयर विल बी स्टार्टिंग द रिडक्शन इन रेडियस। रेडियस कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जाएगा और मिनिमम तक आ जाएगा। सो एट दैट टाइम द फॉलोवर विल कम डाउन means near to the center, and we will say it is a return. फॉलोअर अपनी हाईएस्ट पोजीशन से दोबारा नीचे आना शुरू करता है एंड इट विल बी एट लोअर मोस्ट पोजिशन वंस द कैम कंप्लीट्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीन्स 360 डिग्री एंगल उसका रोटेशन हो जाएगा. अगर दोबारा एक और सर्कल स्टार्ट करता है तो अगेन इट विल स्टार्ट राइजिंग, इट विल कंटिन्यू टिल 180 डिग्री ऑफ रोटेशन एंड देन इट विल स्टार्ट रिटर्निंग. सो इन दिस वे वी कैन से दिस कैम follower arrangement is rise, return, then rise, return, rise, return. ऐसे उसका कैम का मोशन चालू रहेगा और फॉलोअर का मोशन होगा राइज रिटर्न राइज टाइप का. अब दूसरी अरेंजमेंट देखते हैं कैम फॉलोअर का, उसमें क्या होता है. यहाँ है इट इज ड्वेल राइज रिटर्न ड्वेल. अब ड्वेल क्या है वो हमने आगे देख लिया है, मतलब कि जब तक कैम का रोटेशन होता है फिर भी फॉलोअर का रोटेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन को ड्वेल कहते हैं. अभी ये ड्वेल राइज रिटर्न ड्वेल समझने के लिए पहले हम कैम और फॉलोअर का अरेंजमेंट देख लेते हैं कि कैसा होता है. आप यहाँ देखिए, हियर ए पर्टिकुलर रेडियस इज देयर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम एंड फॉलोअर यहाँ पे कांटेक्ट में है. अब 90 डिग्री तक, एक केस में मैंने 90 डिग्री लिया है, 90 डिग्री तक कैम का रोटेशन होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर. ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज ए रेडियस, ये कर्व है, सर्कुलर कर्व है, आर्क है ऑफ दिस पर्टिकुलर रेडियस. तो यहाँ रेडियस डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो फॉलोअर का कोई मोशन नहीं होगा टिल द कैम इज रोटेटिंग अप टू 90 डिग्री. तो 90 डिग्री तक रोटेशन होने के लिए फॉलोअर का मोशन जीरो रहता है एंड दैट इज डिस्प्लेस्ड ऑल्सो शोन ऑन दिस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. अब देखिए, जीरो से लेके 90 डिग्री तक रोटेट होता है तो फॉलोअर का कोई मोशन नहीं है एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड ड्वेल. उसके बाद अगर कैम रोटेट करना कंटिन्यू करेगा तो सी द रेडियस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड इट विल बी मैक्सिमम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका जो फॉलोअर का कांटेक्ट है वो कंटिन्यूसली रेडियली दूर होता जाएगा, मतलब देयर विल बी ए राइज. इट विल बी टिल इट बिकम्स द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. उसके बाद अगर कैम रोटेट करना कंटिन्यू करता है तो फिर कंटिन्यूसली रेडियस रिड्यूस होता जाएगा एंड फॉलोअर विल स्टार्ट कमिंग डाउन मीन्स नथिंग बट ए रिटर्न मोशन ऑफ द फॉलोअर कंटिन्यू टिल इट कम्स टू दिस पॉइंट. उसका रोटेशन का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन खत्म हो जाएगा मीन्स एट द एंड ऑफ 360 डिग्री ऑफ रोटेशन द फॉलोअर विल बी एट ओरिजिनल पोजिशन. अगेन फॉर द नेक्स्ट 90 डिग्री द फॉलोअर रिमेन एज इट इज. देंस इट मीन्स फॉर 0 टू 90 डिग्री इट इज ड्वेल, देन फ्रॉम 90 टू मैक्सिमम इट इज राइज, then maximum to 360 degree it is return, then again it is a dwell rise return dwell rise return वो continue रहेगा. So this becomes the second kind of arrangement according to follower movement. Now let us see the third kind of arrangement. Here it is dwell rise dwell रिटर्न ड्वेल, इन शॉर्ट वी कैन से DRDRD. तो ये समझने के लिए दोबारा हम एक कैम का अरेंजमेंट ले लेते हैं. तो नाउ फोकस दिस पर्टिकुलर कैम अरेंजमेंट. सी दिस इज अ सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम और यहाँ फॉलोअर का उसका कांटेक्ट है. एज वी हैव सीन इन अर्लियर केस हियर ऑल्सो आई हैव केप्ट टेकन अप टू 90 डिग्री ऑफ रोटेशन. ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तब तक कैम ऐसे रोटेट होगा, ये रेडियस सेम रहता है. दिस इज ए सर्कुलर आर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर रेडियस फ्रॉम सेंटर डिस्टेंस टू दिस पॉइंट. तो इतना रोटेशन कैम का होगा तब तक फॉलोअर का कोई मोशन नहीं होगा, फॉलोअर रिमेन एज इट इज पोजिशन एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑल्सो. अब जीरो से लेके 90 डिग्री तक रोटेट होगा कैम तो फॉलोअर का कोई मोशन नहीं होता, दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस रेड लाइन. Now from this point to this point आई हैव डिवाइडेड इट इज़ फ्रॉम 90 डिग्री टू 210 डिग्री, ये यहाँ से 90 डिग्री से 210 डिग्री तक है। अब देखिए कंटिन्यूसली यहाँ से रेडियस बढ़ता है, रेडियस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। सो व्हाट विल हैपन, द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द फॉलोअर एंड कैम सरफेस विल इंक्रीज एंड हेंस द फॉलोअर विल मूव अवे, मीन्स फॉलोअर का राइज होगा। सो 90 डिग्री से 210 डिग्री तक का रोटेशन होगा, तब तक फॉलोअर राइज होगा। नाउ अगेन सी हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दैट आई हैव टेकन 210 टू 230 डिग्री, दैट इज 20 डिग्री रोटेशन के लिए अगेन द रेडियस इज सेम। यहाँ से ये सेंटर से लेके ये पॉइंट और ये सेंटर से लेके ये पॉइंट, ये रेडियस है। मीन्स नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर रोटेशन, ये एंगुलर रोटेशन के लिए ये जो फॉलोअर का डिस्टेंस है सेंटर से बढ़ता नहीं है, मीन्स फॉलोअर रिमेन एज इट इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्क एंड दैट विल बी ए ड्वेल पीरियड। मीन्स फॉलोअर हाईएस्ट पोजिशन पे भी वैसे ही रहेगा, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। आफ्टर दिस डिग्री ऑफ रोटेशन, द 230 डिग्री रोटेशन, यू सी द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर द इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली of this cam surface and hence follower will continuously come down, means it is nothing but the return position. So it will travel from this highest position to the lowest position and it will be here at the end of rotation of one complete revolution, means at 360 degree. So this we can say, यहाँ से यहाँ तक dwell, यहाँ से यहाँ तक rise, यहाँ से यहाँ तक dwell, फिर यहाँ से यहाँ तक रिटर्न। सेम इज रिप्रेजेंटेड हियर, दिस इज ड्वेल, देन दिस इज राइज, अगेन ड्वेल, देन रिटर्न एंड अगेन देन ड्वेल, द न्यू साइकिल स्टार्ट्स। सो इन दिस वे दिस इज द थर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कैम फॉलोअर अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर मूवमेंट, दैट इज ड्वेल, राइज, ड्वेल, रिटर्न एंड ड्वेल। नाउ नेक्स्ट वाला भी एक देख लेते हैं, द लास्ट अरेंजमेंट ऑफ this and that is to be said as dwell, rise, dwell। आपको सरप्राइज होगा कि यहाँ रिटर्न वर्ड नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है वो हम कैम अरेंजमेंट से देखते हैं। नाउ यू सी हियर, आई हैव ड्रॉन ए ग्रीन एरो एंड दैट रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ द फॉलोअर। फॉलोअर अभी ये पोजिशन पे है, दैट इज लोअर मोस्ट पोजिशन एंड फॉर दिस 120 डिग्री I have shown in this diagram also 120 degree. There is no change in radius. यहाँ से यहाँ तक same radius है. Means there is a dwell. The follower will not make any movement till the cam is rotating in this particular direction. Now what will happen? Once it reaches to this particular point, now you see the radius is continuously increasing. So from this 120 degree to 240 degree the rise will take place, the distance is increasing, so the follower will move up from 120 degree to 240 degree, it will rise from this right to this particular height, itna uska height padega. Now at the next 120 degree, from 240 to 360 degree, from this point of this point rotation again there is a radius, it is only a circle, circular part of 120 degree. No change in radius. So what will happen? The follower remain at the highest position up to this point. यहाँ क्या होगा कि ये सेंटर डिस्टेंस से ये रेडियल डिस्टेंस बढ़ता नहीं है, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है फॉलोअर और कैम का वो बढ़ता नहीं है, तो फॉलोअर की कोई मोशन होगी नहीं, फॉलोअर हाईएस्ट पोजिशन पे वैसे ही रहेगा। कैम का रोटेशन 240 डिग्री से 360 डिग्री जाएगा तब तक। जैसे ही वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, 360 डिग्री हो जाता है, तो देयर इज ए नो रिटर्न टाइम, देयर इज ए ओनली ए स्ट्रेट लाइन विच कनेक्ट्स टू द लोअर मोस्ट पोजिशन, ये रेडियस पे आ जाता है। सो हियर वी शुड नॉट यूज द वर्ड रिटर्न एज द फॉलोअर वॉज डूइंग इन अर्लियर केस, बट हियर देयर इज अ सडनली फॉल, वी विल यूज द वर्ड फॉल हियर। तो कोई मूवमेंट नहीं होता है, 360 डिग्री जैसे ही कंप्लीट होता है और जीरो स्टार्ट होता है, फॉलोअर हाईएस्ट पोजीशन से सीधा जीरो पोजीशन पे आ जाता है, जैसे कि यहाँ दिखाया है, ये ड्वेल है, देन ग्रेजुअल देयर इज ए राइज, देन दिस फॉर 120 डिग्री देयर इज ए ड्वेल एंड देन फॉर 0 डिग्री फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट and that we can say it is a fall. So I hope you understand this arrangement of the cam follower also. Here it is lowermost position, यहाँ सबसे नीचे है, वो dwell रहता है यहाँ तक, as it is a circular distance. Then यहाँ से यहाँ तक उसका rise होता है और यहाँ highest position पे वो dwell रहता है, फिर suddenly यहाँ से उसका fall हो जाता है. And it is nothing but dwell, rise, dwell. So in this way, this is the way of classification of cam follower arrangement in terms of, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द मोमेंट ऑफ द फॉलोअर. अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है दोस्त, तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स. अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट. आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा. अगले लेक्चर में मिलेंगे. थैंक यू.